जब से जापान ने रेलगन हथियार का सफल परीक्षण किया है तब से चाइना के रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को बनाने की तैयारियां भारत में भी जोर शोर से चल रही है। भारत के DRDO इस हथियार को बनाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी खूबियों के बावजूद अमेरिकी नौसेना 15 साल और $500 मिलियन खर्च करने के बाद भी इस रेलगन को बनाने का प्रोजेक्ट को 2021 में ही बंद कर दिया था। इस हथियार को भविष्य का हथियार कहा जाता है क्योंकि यह रेलगन बिना गोला और बारूद के 200 किलोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग कर हमले करने में सक्षम है।